खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं हूँ आईसी पटेल। खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में और दिखाते हैं संतोष तिवारी की यह रिपोर्ट। भदोही कोतवाली भदोही द्वारा वांछित अभियुक्त संदीप तिवारी को ज्ञानपुर नगर के दिव्या होटल पटेल नगर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों से प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने बताया कि संदीप नामक उक्त अभियुक्त वाराणसी निवासी एक विधवा महिला की ट्रेन में यात्रा के दौरान माह मई वर्ष 2014 में मुलाकात हुई थी। बात ही बात में उन दोनों के बीच एक दूसरे से मोबाइल फोन नंबर का आदान प्रदान हुआ और फोन से लगातार हो रही प्यार की बातें इस कदर परवान चढ़ी कि बात शादी करने तक पहुंच गई। मिलने जुलने का सिलसिला जारी हुआ तो होटलों में शारीरिक संबंध भी स्थापित होने लगे। इसी बीच उक्त दोनों के बीच अतानी की इतनी दूरियां बढ़ी कि दुष्कर्म पीड़िता ने संदीप तिवारी उनके परिवार के भाजपा विधायक रविनाथ तिवारी समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विवेचना में संदीप तिवारी को आरोपित पाया गया, जबकि इस घटना में अन्य सभी अभियुक्त की नामजदगी की गलत पाई गई है। सर, क्या पूरा मामला था और उसमें जांच में किस तरह की तथ्य निकल कर आए हैं अभी तक? देखिए, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि 10 तारीख को एक महिला ने हमारे यहाँ एक एप्लीकेशन दी थी कि उसको शादी का झांसा दे करके और संदीप तिवारी और उनके परिवार के सदस्यों में, जिसमें उन्होंने जो रविन्द्रनाथ तिवारी जी हैं विधायक जी, उनका भी नाम शामिल किया था, एक तहरीर हमको दी थी। मैंने इसकी छानबीन करवाई और उसके बाद मैंने इसका एक केस रजिस्टर करवाया और उसमें जो हमारी विवेचना हुई अब तक, उसमें से बिल्कुल साफ हो गया है कि इसमें विधायक रविन्द्रनाथ तिवारी और उनके जो बच्चे हैं उनमें से किसी का भी कोई अपराध साबित नहीं हुआ। सिर्फ 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट आया है, एक संदीप तिवारी और एक नितेश का। नितेश केवल 504 और 506 के अभियुक्त हैं, जबकि जो संदीप तिवारी हैं उन पे जो शादी का झांसा दे करके उसके साथ संबंध बनाने का है उसके वो पूरी तरह से दोषी अभी तक पाए गए हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार आज किया गया है। और विधायक जी और उनके जो लड़के हैं उनका नाम विवेचना से हटा दिया गया है। सर, क्या लगता क्या है आपको, महिला ने क्यों विधायक जी का नाम दिया और इन लोगों का नाम दिया अगर वो लोग मुझे दोष? मुझे लगता है कि वो शादी करने का दबाव बनाने के लिए दिया होगा और उसके द्वारा जो भी साक्ष्य दिए गए हैं उनमें से कहीं से भी ये नहीं लगा कि विधायक और उनके बेटों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, और इवन कि महिला ने मेडिकल कराने से भी इनकार कर दिया है। तो महिला ने जिस तरह से कहा था ग्लोरी में वो लगभग 1 महीने रही है, क्या आपको साक्ष्य मिले हैं वहाँ ग्लोरी की, कब रही है, कितने समय रही है? देखिए, ग्लोरी में 1 महीने का तो साक्ष्य नहीं मिला है और उन्होंने अपने FIR में लिखा था कि मैं मई महीने में आई थी, जबकि ये जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो फरवरी मार्च में हुए थे और ये रुके थे मार्च महीने में। मार्च महीने में विभिन्न तिथियों में 10 दिन के रुकने का इनका पूरा सबूत मिला हुआ है। उसमें किसका किसका, उसमें संदीप भी है? उसमें संदीप और हेमा दोनों, जो सॉरी, उसमें संदीप और जो महिला है उसको दोनों का है उसमें रहने का, रजिस्टर में एंट्री है, दोनों की ID लगी हुई है।